एवरीवन, मैं हूं निशा और आप सभी का मेरे चैनल माय ड्रीम प्रोजेक्ट पे स्वागत है। आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूं आजियो बॉटम वेयर हॉल, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत दिनों से मेरे वीडियोस के कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहे थे कि दी प्लीज़ बॉटम वेयर का हॉल करो, जो कि इंडियन वेयर के लिए जो है ईजिली हम कैरी कर पाएँ, और ऐसे कलर्स दिखाना जो कि हम दो तीन कुर्तियों के साथ ईजिली कैरी कर पाएँ। सो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे ही बॉटम वेयर शेयर करने वाली हूँ, और आज मैं आपके साथ जो भी बॉटम वेयर शेयर करूँगी सारी ही अंडर 300 रुपीस होने वाले हैं। सो इस तरीके से है, सारी ही अंडर 300 रुपीस होने वाले हैं, और मैं आज आपको जो भी पैटर्न दिखाऊंगी इसमें आपको स्ट्रेट पैंट एंड सलवार और साथ ही साथ प्लाजो का पैटर्न दिख जाएगा। सो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आए, वीडियो हेल्पफुल हो। हेल्पफुल तो होना ही चाहिए, क्योंकि बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रहा था और आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ही मैं जो है ये वीडियो लेकर आई हूँ। सो अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं वीडियो लेकर आती हूँ, बट आप लोग लाइक नहीं करते, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले और मैं और ज़्यादा वीडियो लेकर आऊँ आप लोगों की रिक्वेस्ट पे। सो जी हाँ, तो चलिए और बातें ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो में आगे जाने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल बटन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे और आप मेरी वीडियो को मिस ना करो। और इनमें से कोई भी पैंट प्लाजो कुछ भी अगर आपको परचेस करना हो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक सिर्फ एक ही होगा, माई होल स्टोर करके, आपको उसे पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने इन सारी कुर्ती सॉरी इन सारे पैंट्स के जो है लिंक्स आ जाएंगे, पिक्चर्स आ जाएंगे। आप उन पिक्चर्स पे क्लिक करोगे, आप रिडायरेक्ट हो जाओगे आजियो पे और आप वहाँ से शॉपिंग कर सकते हो। बहुत ही इजी मेथड है, मैं सिर्फ एक ही लिंक डालूंगी, एकदम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एकदम स्टार्टिंग में ही होता है, आप उसे क्लिक करें और आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ स्ट्रेट पैंट के ऑप्शन जो कि बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट पे आते हैं। तो सबसे पहले है मेरे पास कुछ इस तरीके का एक नेवी ब्लू कलर का पैंट जो कि है फ्रॉम द ब्रांड अवासा से, मेरा साइज़ है मीडियम और इसका जो फैब्रिक है ये है रेयन। इसमें आपको कोई पॉकेट्स वगैरह नहीं मिलता और इस तरीके से आपको जो है पैंट आ जाता है, स्ट्रेट पैंट है और यहाँ पर आपको नीचे में थोड़ी सी कट आ जाएगी। और यहाँ पर ट्राई ऑन में आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि ये आपको लेंथ में कितना आएगा। मैंने इसे अपनी वेस्ट लाइन में पहना है, हाई वेस्ट पे नहीं पहना। सो मुझे कितना लेंथ में आ रहा है आप अपने हिसाब से जो है अपना अंदाज़ा लगा लेना कि आपको कितना आएगा। मेरा जो हाइट है वो है 5'2". सो जी हाँ, ये थी पहली पैंट। और इस तरीके के पैंट आप स्ट्रेट कुर्तीज़ के साथ पहनते हो तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। सो पहली पैंट थी ये वाली, और इस रेंज में आपको बहुत सारे कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे। और इसी रेंज में मैंने और एक कलर मंगवाया है जो कि है पीच कलर का, जो कि कुछ इस तरीके का है, और ये भी सेम रेंज में सेम पैटर्न में है, कुछ इस तरीके का सेमी इलास्टिक मिल जाता है। और इस तरीके का पैंट है, आप देख सकते हो फैब्रिक है रेयन, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल है। इसी के साथ और दो पैंट्स मैं आपको दिखाऊंगी जो कि मैंने बहुत दिनों पहले परचेज़ किया था और आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, बट ये पैंट्स अभी भी अवेलेबल है। सो मैंने सोचा कि मैं इसमें इंक्लूड कर दूँ ताकि आप लोगों को हेल्प हो जाए। तो नेक्स्ट है ये वाली पैंट जो कि फ्रॉम द ब्रांड अवासा से ही है, और इसे मैंने बहुत बार अपने वीडियोस में जो है पहना है और इसे बहुत बार वॉश भी किया है। और ये जो है ना इस तरीके का, इसमें जो है वेस्ट लाइन आ जाता है सेमी इलास्टिक में, और इसका जो फैब्रिक है ये है चंदेरी, और आप देख सकते हो ऑफ वाइट कलर के पैंट के ऊपर में आपको गोल्डन कलर की धागे से वीविंग का वर्क मिल जाता है, ये कोई प्रिंट नहीं है। क्वालिटी इसकी बहुत ही अच्छी है, यहाँ पर आपको नीचे में इस तरीके से कट आ जाता है और फैब्रिक बहुत ही अच्छी, मतलब फैब्रिक है, मैंने बहुत बार धोया भी है और ये बिल्कुल भी मतलब कपड़ा इसका ख़राब नहीं हुआ और बहुत ही अच्छा है अभी भी कपड़ा इसका। सो आप इसे भी डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा चंदेरी फैब्रिक में है, सो इसमें बहुत जल्दी सिलवटें आ जाती हैं, सो आपको इसे आयरन करके ही पहनना पड़ेगा। तो ये थी थर्ड वन। उसके बाद फोर्थ मेरे पास और एक ऑप्शन है जो कि है फ्रॉम द ब्रांड प्रोजेक्ट ईव से, ये थोड़ा प्राइजी है और इसमें भी मेरा साइज़ है मीडियम, और इसकी जो प्राइस है वो अराउंड 1800 रुपीज़ है, और इसे मैंने आई थिंक 60% डिस्काउंट में ख़रीदा था अराउंड 700 रुपीज़ का, बट बिल्कुल वर्थ बाइंग पैंट है। आप देख सकते हो चंदेरी फैब्रिक का है, बट अंदर में आपको बिल्कुल प्योर कॉटन की फैब्रिक मिल जाती है ताकि आपको बिल्कुल चुभे
ना या फिर सी थ्रू ना हो। और इसमें आपको दोनों तरफ जो है पॉकेट्स भी मिल जाते हैं, और पहले मैंने जो भी पैंट्स दिखाए उसमें पॉकेट्स भी नहीं है, लाइनिंग भी नहीं है, और हाँ सी थ्रू भी नहीं है। और ये जो पैंट है इस तरीके का है, आप देख सकते हो, और नीचे में आपको इस तरीके से इसमें बॉर्डर आ जाता है, देख सकते हो, इसमें कॉपर कलर की इस तरीके से आपको धागे की, जरी धागे की आपको जो है एम्ब्रॉयडरी की आपको बॉर्डर आ जाएगी। और ये जो है बहुत ही सुंदर पैंट है, आप इसे किसी भी पार्टी वेयर लुक को क्रिएट करने के लिए आप इसे किसी भी कुर्ता के साथ पहन सकते हो, बहुत ही सुंदर सा लुक आता है। सो ये थी फोर्थ पैंट। उसके बाद प्रोजेक्ट ईव से मैंने और एक पैंट मंगवाया था बहुत दिन पहले, और देख सकते हो टैग अभी भी इसमें लगा हुआ है। और ये भी एक स्ट्रेट पैंट है, इसमें भी आपको दोनों साइड्स में पॉकेट्स मिल जाते हैं, और इस तरीके से आपको स्ट्रेट पैंट आता है, नीचे में कोई भी कट वगैरह नहीं है। और इसका जो फैब्रिक है ये है खादी कॉटन, बहुत ही अच्छी फैब्रिक है इसकी। सो ये खादी कॉटन की है, तो ये थोड़ा पैंट ये स्टिफ रहता है, वो बिल्कुल हिलता डुलता नहीं है, सो दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो अगर आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो तो आप लोग इस तरीके के पैंट में ज़रूर से इन्वेस्ट करो, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा लुक देता है। और इसे इस तरीके की जो मैंने पहली वाली पैंट्स दिखाई, ये वाली पैंट्स, ये आप डेली वेयर के कुर्ते के साथ या फिर जो हम नॉर्मली जो प्रिंटेड कुर्ता वगैरह पहनते हैं उसके साथ पहनोगे तो बहुत ही अच्छा लुक आएगा, और बहुत ही ज़्यादा ईजी ब्रीजी और बहुत ही कम्फर्टेबल लगेगा पहनने में। और इस तरीके के पैंट्स आप अच्छे कुर्तेज के साथ पहनते हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक आता है। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास एक सलवार पैंट का ऑप्शन है, जो कि हम चुन्नर वाले सलवार पहनते हैं सूट्स के साथ, उस तरीके का सलवार पैंट है। और ये भी है फ्रॉम द ब्रांड अवासा से, प्राइस है 499 आफ्टर डिस्काउंट, इसे मैंने ओनली 175 रुपीज़ में परचेस किया है। और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, आप देख सकते हो कलर नेवी ब्लू कलर का है, और इसमें भी आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको जो है डोरी मिल जाएगी, एंड इस तरीके से आपको चुन्नटें आ जाएंगी, आप देख सकते हो इस तरीके से है, और इतना आपको जो है लेंथ आएगा, नीचे में इस तरीके से आपको बॉर्डर आ जाएगी। और ये इसका जो फैब्रिक है ये है प्योर कॉटन, बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छी फैब्रिक है, और जो प्राइस में ये प्रोवाइड कर रहे हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी आपको मिल रही है। सो आप इसे डेफिनेटली ट्राई करें, एटलीस्ट आप इसे घर में पहनने के लिए तो यूज़ कर ही सकते हैं, इवन आप इसे जो है नॉर्मली ऑफिस वगैरह कॉलेज वगैरह के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर फैब्रिक है। सो इसके बाद नेक्स्ट मैं आपके साथ कुछ प्लाजो के ऑप्शन शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास एक ऑफ वाइट कलर का प्लाजो है, जो कि है फ्रॉम द ब्रांड अवासा से, और अवासा ब्रांड में ही आपको बहुत वैरायटी मिल जाएगी, बहुत प्रिंट्स मिल जाएंगे, और बहुत ही अफोर्डेबल रेट में मिल जाएंगे। सो इस तरीके से पैंट है, आप देख सकते हो सेमी इलास्टिक मिल जाएगा, साइड्स में आपको पॉकेट मिल जाएगी, एंड इस तरीके से आपको पैंट मिल जाएगा। फैब्रिक इसका रेयन मटेरियल है, और विड्थ आप देख सकते हो इतना आपको आएगा। सो नॉर्मली जिस तरीके के प्लाजोस होते हैं उस तरीके से है, बहुत ही अच्छी फैब्रिक है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। सो ये रही मेरी पहली प्लाजो। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास एक ब्लैक कलर की प्लाजो है, जो कि इस तरीके की है, ब्लैक कलर की, फ्रॉम द ब्रांड अवासा से ही है, और ये थोड़ी सी अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि इसका फैब्रिक आप देख सकते हो, आई थिंक आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, इसका जो फैब्रिक है ये थोड़ी सी टेक्सचर काइंड ऑफ फैब्रिक है इस तरीके से, और बिल्कुल जेट ब्लैक कलर का पैंट है। सो इस तरीके से इतना आपको विड्थ आएगा, और इसका लेंथ भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है, आप लोग देख सकते हो शायन में। और सो ये भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है डेली वेयर के लिए, पार्टी वेयर के लिए, ऑफिस कॉलेज के लिए, आप किसी भी कुर्ते के साथ इस तरीके के ब्लैक पैंट्स ब्लैक प्लाजोस कैरी कर लो, चल जाएगा। ये भी बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है अफोर्डेबल रेंज में, सो आप इसे भी ज़रूर से ट्राई करें। उसके बाद मेरे पास एक प्रिंटेड प्लाजो है, जो कि है कुछ इस तरीके की, और ये भी है फ्रॉम द ब्रांड अवासा से, प्राइस है इसकी 599 आफ्टर डिस्काउंट, मुझे 270 या फिर 300 रुपीज़ का पड़ा है। और इस तरीके का प्रिंट है, आप देख सकते हो फैब्रिक है इसकी प्योर कॉटन, और इसमें कोई पॉकेट वगैरह नहीं है, इस तरीके से आपको प्रिंट मिल जाती है वाइट एंड गोल्डन कलर की, ऐसा पैंट है। इसमें आपको इतना विड्थ आएगा,
बहुत ही अच्छा पैंट है, फैब्रिक इज़ वेरी नाइस और क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है। और इसी तरीके के और भी बहुत सारे प्रिंटेड पैंट्स आपको मिल जाएंगे। और आज मैं जो भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इन सारे प्रोडक्ट के लिंक्स तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे माई हॉल स्टोर पे। इसके अलावा भी मैं और भी बहुत सारे पैंट्स के जो है ऑप्शंस डाल दूंगी, सो अगर आप लोग चाहें तो उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद इस हॉल का लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो पीस मैं आपको दिखाऊंगी, ये एक अलग तरीके की पैंट है, थोड़ी सी क्रॉप पैंट जिस तरीके से होती है, इसे आई थिंक क्यूलोट्स वगैरह कहते हैं, मुझे अच्छे से नहीं पता, अगर मैं गलत कह रही हूँ सो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि मैं इस तरीके के पैंट्स वगैरह नहीं पहनती सो मुझे उतना नॉलेज नहीं है। और ये वाला जो पैंट है ये मुझे रिक्वेस्ट भेजा था मेरे एक सब्सक्राइबर ने, और उन्होंने कहा था कि इसका लेंथ कितना आ रहा है वो देखना चाहती हैं, सो इसलिए मैंने इसे ऑर्डर किया था। और इसकी जो प्राइस है वो है 799 रुपीज़, प्राइस है मीडियम और इसका जो ब्रांड है वो है फीग। और ये कुछ इस तरीके का पैंट है, आप देख सकते हो यहाँ पर इस तरीके से आपको सेमी इलास्टिक मिल जाती है। इसमें आप देखोगे सामने का जो पोर्शन है इस तरीके से नॉर्मल पैंट जिस तरीके से होते हैं उस तरीके से है, और पीछे में आपको इस तरीके से इलास्टिक मिल जाती है जिसमें आप देखोगे ऊपर के हिस्से में थोड़ी से इस तरीके से प्लीट्स वगैरह दिए गए हैं, और इसमें आपको बेल्ट भी दी गई है इस तरीके से, आप देख सकते हो इस तरीके से बेल्ट है। और इसका जो कलर है वो थोड़ी सी रोजी पिंकी काइंड ऑफ कलर है, और इसमें आपको एक ऑरेंज कलर भी मिल जाता है, रस्टी ऑरेंज कलर। और ये कुछ इस तरीके का पैंट है, इसमें आपको पॉकेट भी मिल जाता है। इसका जो फैब्रिक है ये है रेयॉन, बट बहुत ही जो लाइट वेट वाला रेयॉन होता है वो वाला नहीं है, थोड़ी सी थिक मटेरियल है ताकि पहनने में ये थोड़ा अच्छा लुक दे। इसमें आपको दोनों तरफ जो है पॉकेट्स भी मिल जाती हैं, और इसका जो लेंथ है आप देख सकते हो इतना आएगा। सो यहाँ पर मैंने जो वीडियो इंसर्ट किया है वो आपको देख के समझ में आ जाएगा कि ये कितना लेंथ तक आएगा, और जिन्होंने भी रिक्वेस्ट किया था उनकी भी प्रॉब्लम आई होप सॉल्व हो गई होगी। तो जी हाँ, ये था आज का लास्ट पैंट और ये था आज का मेरा वीडियो। आई होप आप लोग आज का वीडियो पसंद आया हो। और इसके अलावा अगर आप लोग दुपट्टा हॉल, ज्वेलरी हॉल, इस तरीके के हॉल वीडियोस देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में भर भर के कमेंट करें, और जितने ज़्यादा कमेंट आएंगी उतनी जल्दी ही मैं लेकर आऊँगी ज्वेलरी हॉल या फिर दुपट्टा हॉल। सो जी हाँ, आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, स्टे ट्यून एंड स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ एट योर होम। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।